कैसे हो मेरी वर्चुअल फ्रेंड। आशा रखती हूँ कि कोरोना काल में आप सब सकुशल होंगे। आज मैं आपके साथ दो सोफ़ा कवर से आप किस तरह से इस तरह का ट्रैवलिंग बैग तैयार कर सकते हैं उसका आइडिया शेयर कर रही हूँ, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो सिलाई के शौकीन को, क्रिएटिव आइडिया के शौकीन को ये वीडियो आप ज़रूर से शेयर कीजिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सोमवार और शुक्रवार को सबसे पहले मिले। इसको बनाने के लिए मैंने दो पुराने सोफ़ा कवर का यूज़ किया है। ये मेरे नेट वाले कवर है। अगर आपके पास मोटे वेलवेट के कवर हैं तो भी आप उसमें से आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं। ये जो कवर है इसको मैंने इस तरह से बिछा दिया है और इसके ऊपर का जो भाग है उससे ज़्यादा नीचे ये जो रोज़ की डिज़ाइन आ रही है फ्लावर की, तो मैं उसे यूज़ करने वाली हूँ थैले में, और ऊपर का जो भाग है उससे मैं उसके हैंडल बनाऊँगी। तो 18 इंच पर मैंने इस तरह से दोनों कवर को साथ में रख के निशानी लगा ली है और फिर मैंने इसको इस तरह से काट लिया है। काट लेने के बाद हमें बीच से भी ये दोनों कपड़ों को इस तरह से जोड़ देना है। और इसके नीचे मैंने लाइनिंग के लिए ये डार्क कलर का कपड़ा लिया है, जिससे ये नेट पे ये अच्छी तरह से इसमें से फ्लावर गेटअप आए। और नीचे मैंने अपने एक बेडशीट का यूज़ किया है। अगर आप वेलवेट के मोटे कवर का यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक ही उसमें लाइनिंग लगाने की ज़रूरत है, मेरी तरह आपको दो लाइनिंग लगानी नहीं पड़ेगी। अब आपको इस तरह से इस कपड़े को मोड़ देना है। देखिए, ये सब बाजू से जहाँ से मुड़ा है इसको इस तरह से मैंने रखा है और खुली बाजू हमारी इस साइड पर है। अब हमें यहाँ नीचे से 4 इंच पर निशानी लगानी है। बहुत आसान वे में आप देखेंगे कि ये बैग तैयार हो गया। आपने बहुत अलग अलग तरह के बैग देखे होंगे, लेकिन इतना आसान बैग आपने आज तक देखा नहीं होगा। इतना आसान भी आप बना सकते हैं। अब 4 इंच की दोनों बाजू निशानी लगा लेने के बाद ये मैं 5 इंच की निशानी लगा रही हूँ। अब जहाँ से 4 इंच पूरा हुआ था वहाँ से हमें इस तरह रखकर 5 इंच की निशानी लगा ली है। और एक मैंने रेक्टेंगल जो है ये बना लिया है और पेन की मदद से, और इन सभी चारों भागों को हमें काट लेना है। काटने के बाद ये कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। और अब इसके जो ये दोनों बाजू है वहाँ पर मैं पाइपिंग लगा के इसे सिक्योर करूँगी। और ये पाइपिंग कैसे लगाना है ये मैंने अपने कई वीडियो में आपको बता रखा है, तो आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं और इस तरह से इसे लगा सकते हैं। अब जो ये बचा हुआ कपड़ा है उसमें से मैं हैंडल तैयार कर रही हूँ। ये 24 इंच इसकी लंबाई है, तो ये इतनी ही रहेगी एज यूजल। आप अगर बड़ा करना चाहते हैं तो इसमें जोड़ लगा के बड़ा कर सकते हैं। अब ये जो कपड़ा है इसके यहाँ नीचे से जहाँ से ये ज़्यादा भाग कम हो रहा है वहाँ से मैंने यहाँ 2 इंच पर यहाँ निशानी लगा रही हूँ। ऐसा हमें दोनों बाजू लगानी है, 2-2 इंच पर निशानी, और फिर 2 इंच जहाँ से पूरा हो रहा है वहाँ से हमें 4 इंच पर निशानी लगानी है। तो इस तरह से हमें 4 इंच की भी दूसरी सामने बाजू भी लगा के तैयार करना है। तो इस तरह से हमें एक हैंडल इस तरफ लगाना है और दूसरा हैंडल हमें दूसरी बाजू लगा के सिक्योर करना है। अब हमें जो है, आप रनर निकाल के या रनर के साथ भी इस तरह से चेन को डायरेक्ट ही इसके ऊपर सिल लीजिए और आपकी चेन जो है इसके साथ सिक्योर हो जाएगी। और इस तरह से सिल लेने के बाद हमें इसे उल्टा करना है। उल्टा कर लेने के बाद हमें जहाँ पर हमने चेन लगाई थी वो वाला जो हमारा भाग है उसे नीचे का जो बेस का भाग है सामने बाजू का उसके साथ इस तरह से रखना है। देखिए, बिल्कुल आसान वे में हमें इस तरह से जो ज़्यादा भाग है उसे ज़्यादा भाग के साथ रखना है। और इस तरह से हमें इस कपड़े को इस तरह से रख लेना है और दोनों बाजू जो है हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमें कॉर्नर में दोनों बाजू हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमने यहाँ दोनों बाजू सिलाई लगा ली है। अब ये जो चारों बाजू है इसे भी हमें सिल लेना है, तो हमारा थैला तैयार हो जाएगा। और सिलना कैसे है, बहुत आसान वे में हमें इस तरह से कपड़े को उठाना है और फिर सीधा ही हमें इस पर यहाँ पर सिलाई करनी है। ऐसा हमें चारों बाजू सिलाई करनी है, तो हमारा थैला बिल्कुल आसान वे में तैयार हो गया। देखा कितनी आसान वे में हमने इसे तैयार कर लिया। मिलते हैं कुछ नए ऐसे ही इनोवेटिव आइडिया के साथ।